My name is Akilo. I'm from Loseri. I like to listen to Goal FM because only the classics. Bulavinaka, I'm Nanise Salambongi, and I love to listen to Goal FM here in Lambasa. Bola, I'm Kuki. I'm from Rakiraki. I love listening to Goal FM, only the classic hits. Bulavinaka, my name is Anna. I love listening to Goal FM, 100.2 FM. Goal FM, only the classic hits here in Suva. Goal FM, only the classic hits. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं केतरिन कृष्णा। नवसोरी हाईलैंड्स नांदी में आज सुबह दो बड़े और दो बच्चों की लाश मिली है और आज शाम एक और व्यक्ति की लाश मिली। कुल मिलाकर पांच लोगों की लाश अब पुलिस को मिली है। एक गवाह ने एक छोटे बच्चे को रास्ते के पास क्रॉल करते हुए देखा और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जबकि लाश भी वहीं पर पाए गए। बच्चे को इलाज के लिए ले जाया गया और इन्वेस्टिगेटर्स घटनास्थल पर विक्टिम की पहचान करने में लगे हुए हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि घटनास्थल पर उन्हें एक बोतल मिली है जिसे जांच के लिए ले जाया गया है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हुई है। 41 वर्षीय योगेश रोहित लाल ने अपने ऊपर लगे हत्या के अभियोग को स्वीकार किया है। लाल ने बताया कि उन्होंने पिछले बुधवार को अपनी पत्नी सलेशनी देवी की हत्या की थी। अदालत को आज जानकारी मिली कि व्यक्ति ने नवोल्लेवू वैनिकोरो में कई बार गन्ने काटने की छुरी से अपनी पत्नी पर वार किया, जिस वजह उसकी मृत्यु हो गई। डीपीपी लोया दर्शिका राव ने मांग की है कि केस को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। व्यक्ति पर डोमेस्टिक वायलेंस रिस्ट्रेनिंग ओडा को भी लागू किया गया है। मामले को सितंबर 18 को एक बार फिर अदालत के समक्ष बुलाया जाएगा। 39 वर्षीय कोंगो नागरिक, जिस पर अपनी 44 वर्षीय पत्नी जेनिफर डाउन्स की हत्या का अभियोग लगा है, को आज सुबह हाई कोर्ट में पहली बार पेश किया गया। कियाला हेनरी लुसाका ने आज अदालत को बताया कि उसने जमानत की अर्जी लगाई है ताकि प्राइवेट वकील को एंगेज कर सके। 39 वर्षीय लुसाका ने बताया कि उसने इससे पहले लीगल एड के एक वकील को एंगेज किया था, हालांकि वो मददगार नहीं हुई। अभियुक्त ने अदालत को यह भी बताया कि हिरासत में उसे फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, जिस कारण वो वकील की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। कांगो नेशनल ने अपने जमानत के फॉर्म को हाई कोर्ट में सबमिट किया है और डीपीपी की वकील ने बताया कि वो जमानत पर आपत्ति जताएगी। ऐसे आरोप है कि पिछले महीने 23 को लुसाका ने अपनी पत्नी जेनिफर डाउन्स की हत्या की थी, जो पैसिफिक में यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के तौर पर काम करती थी। व्यक्ति से 13 सितंबर को कसूरवार होने या ना होने के लिए पूछा जाएगा। खेलकूद की खबरों में, फिजी एयरवेज ड्रुआ नए ऑस्ट्रेलियन नेशनल रग्बी चैंपियनशिप सीजन के तहत ब्रिस्बेन सिटी से पहला मैच खेलेंगे। साइड में कुछ नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश को रिप्रेजेंट किया था। साइड ने आज प्रेसिडेंट मेजर जनरल चोची कोनरोते को इताताउ प्रेजेंट किया। टीम कैप्टन एरमासी रानरोंडो ने कहा कि इस साल टीम में कई नए खिलाड़ी हैं और वे उन्हें लीड करने के लिए तैयार हैं। ड्रुआ बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए छूटेगी और शनिवार को 5 PM ब्रिस्बेन सिटी के खिलाफ मैदान लेगी। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन समाचारों को आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM पर भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और रेडियो फिजी बहुत रेडियो फिजी रोज सुनता हूँ। मेरा नाम सुखराम है, मैं नंदूरू नौसोरी में रहता हूँ। हमेशा मैं रेडियो फिजी 2 सुनता हूँ। रेकी रेकी उन्हें नाबू, हमारा नाम है बिनोद लाल फैंटम। रेडियो फिजी 2 हम लोग बहुत लाइक करता हूँ, ये सुनता हूँ। हम बिनोद प्रकाश है, गोल्डन तामो में रहता है और सबको रेडियो फिजी 2 सुने, सबको लाइक करे। हम एक कलाकार है, लोकगीत कमलावती नारायण भतीरी सिंगा टोका के, और रेडियो फिजी 2 हमें बहुत पसंद है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।